ঈদৰ বজাৰ কৰা হৈ গলনে? অলপ হল আৰু অলপ বাকী আছে। বাৰু ঈদৰ শুভেচ্ছা থাকিল, বজাৰ কৰক। ঈদ কি ৰৌনক বজাৰ মে দেখনে লাগে, লোকো কা হুজুম উভৰনে লগা হে। और इसी क्रम में आज हम आ पहुँचे हैं जोरहाट, और आज जोरहाट ईद का बाज़ार का जायज़ा लेंगे। लेकिन उससे पहले स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ताज ब्लॉग में। हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक में देखें तो फॉलो करें। चलिए फिर बाज़ार का जायज़ा लेते। जोरहाट कब्रस्तान रोड में हम आ पहुँचे हैं, और देखिए सबसे ज़्यादा रौनक जो दिखाई देती है ये जोरहाट में ही देखते हैं। यहाँ पर जो माहौल होता है काफ़ी ज़बरदस्त होता है। और देखिए इसी क्रम में हम यहाँ पहुँचे हैं, सेवैया की काफ़ी सारी वैरायटी लगी हुई है यहाँ पर, देख सकते हैं। सभी दुकानदार यहाँ पर दुकान सजाए हैं, सेवैयों की यहाँ पर दुकान लगी है। और साथ ही साथ आपको दिखा दूँ, यहाँ पर कई सारे कप प्लेट्स यहाँ पर की दुकान लगी हुई है। यहाँ पर कैसा है बाज़ार, कैसा है आप लोगों का बाज़ार? ठीक चल रहा है, कस्टमर आ रहे हैं? तो आपने सभी ने सेवैयों की दुकान लगाई, आपने कुछ अलग लगाया है, कप प्लेट की दुकान लगाई है, तो कस्टमर आ रहे हैं? क्या रेट वगैरह कैसा है आपका? कुछ ऐसा कुछ खास जो दिखाना चाहें आप व्यूअर्स के लिए? चलिए भाई साहब कुछ दिखाएंगे। ये देखिए एक छोटा सा सोपदानी, ये अनकॉमन है। क्या रेट कितना है इसका? इसका 150 रुपये। 150 रुपया, 150 रुपया है। और यहाँ पे देखिए कई सारे कप है, और कप प्लेट यहाँ पर कई सारी सामान यहाँ रखी है। अगर आप ईद की खरीदारी करना है, कप प्लेट भी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आ सकते हैं। ये दुकान मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए किस तरह से लोग कस्टमर यहाँ पर पहुँचे हुए ख़रीदारी कर रहे हैं। आप देखिए बाज़ारों में ईद के लेके इस दुकान में, कब मैं थोड़ी देर पहले आया था आपको दिखाया था, यहाँ पर कई सारे कप प्लेटें बेची जा रही है। दादा अपना को प्राइस है? जोहट लिचुबाड़ी पर। देखिए जोहट लिचुबाड़ी से आए हैं, ईदर दुदिन कारण दुदिन आसे सब ईदर बाजार करा होय गलने? अलग होल और अलग बाकी आसे। बारो ईदर उद्देश्य थकिल बाजार करो। चलिए ये देखिए दुकान मैंने आप दिखाया, यहाँ पर बाजार कर रहे हैं लोग। और धीरे धीरे जैसे भी इफ्तार का वक्त बीतता ही है तो धीरे धीरे लोग अभी भीड़ करना शुरू किए हैं। तो देखिए सारे तरह धीरे धीरे कस्टमर अब बढ़ रहा है धीरे धीरे, और जैसे जैसे शाम बढ़ेगी लोग यहाँ भीड़ बढ़ता ही चला जाएगा। दुकान आप देख सकते हैं, और आपको इधर लिए चलता हूँ। देखिए यहाँ टोपियों से लेके इतर से लेके सारी चीज़ यहाँ पर आपको दिखाई देगी। और चलिए और एक खास दुकान में दिखा दूँ, यहाँ पर देखिए प्रभु जी का ब्रांडेड बोल सकते हैं, यहाँ प्रभु जी की सारी चीज़ें लगी हुई है, या सेवैयों की कई सारी वेराइटी। और ये देखिए यहाँ पर आप पहुँचे हैं दादू लेप्सी। एन मोर दुकान है प्रभु जी मैं आइटेम आनीस सब सेवैया आनीसूँ, यू हो गल सब बटर दी बनवा, यू हो गल सब लेमन फ्लेवर, এইটো হয়ে গেল স্যার। আমি গাজর সাজর দিয়ে বনাই, এই বছর এবারহে ওলাই বস্তুবিল। আচ্ছা কত গুছি যায় বাকি বছর? মানে ঈদ আহ ঈদতে উলিয়াব। আচ্ছা এটা ঈদর স্পেশাল নাকি? ঈদর স্পেশাল, এইটো ঈদর স্পেশাল এনে এইটো আনিছে সব। গোলাপ জামুন এইটো শাহরুখ খান আছে। আচ্ছা কলকাতা নাইট রাইডার্স ফাইন্যান্সার। पापड़ यहाँ पर लगी हुई है, ज्यादातर दुकानों में आपको यही सब चीजें मिलेंगी। पापड़ ऊपर से जो प्रभु जी की जो ब्रांड है यहाँ पर ये लगी हुई है। हल्दीराम का ही एक ब्रांड है प्रभु जी, जो इसके ब्रांड है। शाहरुख खान है, देखते हैं गुलाब जामुन से लेके काजू कटली से लेके सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। और एक खास चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मिस्किती हलवा इसे कहते हैं। आप ईद के दिन जब आप किसी भी घर में जाएंगे, ये चीज़ आपको हर घर में आपको खाने को मिलेंगी। ये बचपन की हमारी यादें हैं जो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। यार बिक्री कहने का मिस्किती हलवा बिक्री कहने का भले ऐसे ना, ये तो सब लोए और एक बार सेवई और रेट सेट ब्लैक कहने का। अच्छा 380 कुंटू की स्पेशल की बा কলকাতা মাল হয়? আর ইয়ার লোকাল মালও আছে নাকি? লোকাল মাল সব কলকাতা মাল, প্লাস প্রভুজির ব্র্যান্ড। তো থাড়া আগে নিয়ে চলতা হুম। দেখে ইসরমে সারি দোকানে লগি হুই হ্যাঁ, সারি দোকানো মে এসি তরহ কি সেবৈয় কি ভিড় লগি হ্যাঁ। লোক আনা জানা করে সব সেবৈয় কি মার্কেটিং কর রে হ্যাঁ, কিউকি মাত্র দু দিন আর বচা হ্যাঁ। ইয়া পর দেখে এক খাস আদমি সে আপকো মুলাকাত মে করাউঙ্গা, ইয়ে হ্যাঁ সাকির। চলে সাকির সে থাড়া বাতচিত করেঙ্গে। ইয়ে হ্যাঁ আমারে সাকির সাহেব, ইয়ে ভি এক ইউটিউবার হ্যাঁ, और इंस्टाग्राम में काफ़ी इनके फॉलोअर्स है, और इनका इंस्टा हाल फिलहाल में मोनिटाइज भी हुआ है जहाँ तक मुझे मालूम है ना। मोनिटाइज हुआ है ना, तो मोनिटाइज हो गल हो गल। तो एटिया आदमी से दुकानों लगाइसा कैन का फीलिंग ईदर? ईदर कारण भले लगे बार एक्साइटेड आसा? एक्साइटेड आसो, कि बजार जी गति मानु हम लगे इतना हुआ ना, कल दिन तो आए चाओ कि है। तो दिन एटाओ सके मानु एने लास्ट लेकिन लोक सके लास्ट बजार कर बाकी तुम दुकान क्या स्पेशल आसे नहीं देखा विचार? दुकान स्पेशल ठेकार माल तो
স্পেশাল মানুহৰ কাৰণে দাম কিমান এইটো চাই এইটো একে দাম 150 160 যাক যেনেকুৱা পা তেনেকুৱা দাম ন আচ্ছা চলো इसी क्रम में थोड़ा आगे बढ़ते सारी जो आपको मैं दुकानें दिखा दूँ ये सारी दुकानें देखिए किस तरह से सजाई गई है। ज़्यादातर दुकानें जो है सेवैयों की ही लगाई गई है और देखिए सभी वेव कर रहे हैं यहाँ पर मैं आपको धीरे धीरे आगे बढ़ा के लेके चलता हूँ। सभी दुकानों में एक जैसा है और एक आपको दिखा दूँ जो टोपियों की दुकान है, अगर आप ईद के लिए टोपियाँ वगैरह खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर आ सकते हैं। देखिए टोपियाँ इतर और एक खास चीज़ मैं आपको देंगे, छोटे छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर जूती मिल जाएगी। अगर अपने बच्चों के लिए जूती खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर, अगर आप मोनियारी के आइटम भी लेना चाहते हैं पीछे मोनियारी के आइटम भी आपको मिल जाएंगी होलसेल में। चलिए और आगे बढ़ लेके चलता हूँ। एक आपको यहाँ पर देखिए कुछ लोग यहाँ पर ख़रीदारी करते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। देखिए टोपियाँ और कुर्ते यहाँ पर बेची जाती है, स्पेशली आपको यहाँ पर ख़ास तौर पर कुर्तों की कलेक्शन अच्छा यहाँ पर रखा हुआ है। मैं थोड़ा यहाँ पर दिखा दूँ आपको इस बार ईद के लिए कुछ खास कुर्ता, ये आपके सामने सब लगा हुआ है। खान का ड्रेस है, अच्छा पजामा है, अच्छा पजामा के साथ और आपका हर एक डिजाइन का सिंगल कुर्ता भी है। अच्छा तो मतलब क्या है ना, हर एक अलग अलग डिजाइन का है, वो भी एक डिजाइन है देख रहे हैं। ये पठानी में है, अच्छा कई सारा मतलब वैरायटी है कुर्तों का यहाँ पर, बच्चों का है, बड़ों आदमी का, सबका, बच्चे बड़े सबके लिए है और साथ में टोपी कुर्ता इतर सब करते हैं। ये आप ईद में लगाते हैं ना, ईद में लगाते हैं दुकान ना, हमेशा रहता है आपके, हमेशा रहेगा आपको, हमेशा 12 महीना मिलता है। और जामा मस्जिद आप एड्रेस बता दीजिए, ढाका पट्टी कब्रिस्तान रोड नियर जामा मस्जिद, जामा मस्जिद के ठीक नीचे है ये दुकान। यहाँ पर देखिए कुर्ता पैजामा से लेके इतर से लेके सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगी। और चलिए थोड़ा और आगे आपको लिए चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर मोनिहारी की दुकान भी सजाई है, साथ में आगे सेवैयों की दुकान लगी है। एक बार मैं थोड़ा अंदर लिए चलता हूँ। देखिए ये देखिए अंदर आपको ले चलता हूँ, मोनिहारी की ये दुकान है, ये होलसेल होती है जामा मस्जिद के ठीक नीचे। हमारे बड़े भाई साहब हैं यहाँ पर। कैसा है बाजार, कैसा है बाजार, कैसा है बाजार? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बिहू का भी सारे साथ सीजन है तो कस्टमर आ रहे हैं कि नहीं मोनिहारी के लिए? आ रहा है थोड़ा कम गया है ईद का बाजार का, हम थोड़ा मार खाई है। अच्छा ईद की वजह से थोड़ा सा मार खाए, लेकिन दो एक दिन के बाद ईद के बाद फिर से बाजार उठ जाएगी। चलिए तो यहाँ पर देखिए मोनिहारी की होलसेल होती है। आप अगर जोरहाट के किसी भी कोने से है देख रहे हैं तो इस वीडियो की इस दुकान में आप आ सकते हैं, मोनिहारी की आइटम आपको मिल जाएगी। ये 12 महीने यहाँ पर मिलेगी जोरहाट जामा मस्जिद कब्रिस्तान रोड में, सही है? ठीक है, धीरे धीरे आपको आगे लिए चलता हूँ। और इसी तरह से मैंने जैसे आपको दिखाया टोपी और कपड़ों की दुकान, लेकिन जोरहाट जामा मस्जिद की सबसे पुरानी दुकान में आपको लेकर, लगभग 40 साल का हिस्ट्री है इस दुकान का। शकील भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं देखिए, और ये दुकान है। यहाँ पर आपको जितने भी इस्लामिक किताब हो इतर हो अगर आपको लेनी है तो यहीं आनी होगी, अगर आप जोरहाट से हैं तो। अगर जोरहाट के बाहर है और जोरहाट में आए हैं, आपको इस्लामिक किताब चाहिए इतर चाहिए कुछ भी चाहिए तो यहीं पर आपको आनी होगी। यहाँ पर शकील भाई साहब है देखिए, ये शकील भाई साहब आपके दुकान के बारे में थोड़ा बताइए, कितने सालों का हिस्ट्री है आप लोगों का? जी तकरीबन 50 साल हो गए हैं इस दुकान। तकरीबन 50 साल हो गए, मैंने 40 साल बोला। चलिए जी, अच्छा तो खास क्या रहता है आप लोगों का कुछ बताएं? इस्लामिक तो एवरीथिंग मिल जाता है, लेकिन खास करके इतर का हो, इतर का, लुंगी का, हाँ। और किताब का, कुरान शरीफ हो, इस्लामिक जितने भी किताब है सब मिल जाते हैं अल्लाह के। जी जी, सबसे पहला दुकान यही है जोरहाट जामा मस्जिद के नीचे, शकील भाई है जैसे यहाँ बताया। और देखिए एक चीज़ और बता देंगे, खास तरह की देखिए यह तस्वीर भी लगी हुई है, कितनी सुंदर सुंदर तस्वीर लगी हुई है। और ये ऊपर देखिए कुरान शरीफ भी रखी हुई है। तो अगर आपको इस्लामिक किताबें चाहिए, कुछ जैसे जायनामा चाहिए, कुछ भी चाहिए तो बस यहाँ पहुँच जाइए शकील भाई के, शकील भाई के दुकान में। धन्यवाद बात करने के लिए, सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। चलिए अब धीरे धीरे हम आ गए हैं लास्ट यहाँ पर आप पहुँचे हैं, ये है अकबर साहब का दुकान। पिछली बार इनके दुकान का मैंने वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा अगर आपने मेरे चैनल पर है। ये है अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम अकबर साहब, बाजार कैसा है ईद का आपका? इंशाल्लाह जो भी हो मोटामोटी ठीक है, इंशाल्लाह ठीक है। पिछले साल से कम है क्या कस्टमर? कम है अभी, थोड़ा कम है अभी, भीड़ नहीं है, लेकिन भीड़ नहीं है इतना, आगे से थोड़ा पतला है। क्या कारण क्या है, मतलब अभी 2 दिन बाकी है इसी वजह से? अरे क्या हो गया, बाजार हाथ में किसी का पैसा नहीं है, कम होगा शायद। अच्छा पैसे की वजह से हाथ में कम है, इसी वजह से बाजार में थोड़ी खरीदारी, जैसा करना चाहिए 500 वो खरीदे 200 रुपये का सामान, इसलिए बाजार थोड़ा ठंडा है।
सही बात है, लेकिन ये होलसेल करते हैं और ये रिटेल भी करते हैं, तो ये पिछली बार मैंने इनका वीडियो भी बनाया था, थोड़ा इनका दुकान में ही बता दूँ। यहाँ पर खास आपके दुकान में कुछ अलग क्या है? सब दुकान में तो यही सब दिखाई दे, लेकिन आप बड़े होलसेलर हैं तो आपके दुकान में कुछ खास है तो बताइए, क्या है दिखाने के लिए जोरहाट के लोगों के लिए? जोरहाट के लिए क्या दिखाया भाई, वो सामान तो आपका ख़त्म हो गया ना फिलहाल। क्या क्या था जो ख़त्म हो गया? ख़त्म हो गया अफलातून था। अफलातून ख़त्म हो गया अभी फिलहाल, ये भी। अच्छा, ये कुछ अलग दिख रहा है, ये गोल गोल जैसा है, क्या है ये? हेलो, क्या कहते हैं इसे? केवी इसका पाइनएप्पल का। अच्छा, ये हो गया अगर देसी। अच्छा, ये पाइनएप्पल का कुछ हलवा जैसा चीज़ है, देखिए इसका रेट क्या है भैया? ये देश का 400 रुपया MRP है, 300 रुपया हाई लास्ट, 300 रुपये में बेचे, 400 MRP। ये अलग है, कोई दो फ्लेवर में है, देखिए ये पाइनएप्पल फ्लेवर में है और यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स के कई सारे वेराइटी यहाँ पर है, आपको मिल जाएंगे। डाइट कीवी, ये कीवी की है यहाँ पर जो लिखी हुई है। चलो चलिए अकबर साहब, बात करने के लिए धन्यवाद। तो आज का ईद का वीडियो यहीं तक रहा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब।